हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ट्रबल्स के बारे में बताऊंगा कि ट्रबल्स कैसे हम सूट आउट करते हैं। तो पैनल में जो ट्रबल्स आता है, वो पैनल्स वाला ट्रबल हम कैसे सूट आउट करेंगे उसके बारे में मैं तीन ट्रबल्स के बारे में आज बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो तीन ट्रबल्स, जैसे एक ट्रबल यहाँ दिख रहा है, ये मिसमैच, SWE टाइप, ये ट्रबल्स है। ये ट्रबल्स क्या है एक्चुअली, ये जो 24 फ्लोर, डायरेक्टर नंबर 24 फ्लोर, फोर्थ यूनिट किचन में, वहाँ आया है ये, वहाँ से आया है ये ट्रबल। तो इस ट्रबल को सॉल्व करने के लिए हम उस डिटेक्टर को खोलेंगे। वो डिटेक्टर अच्छी तरह से टाइट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ ट्रबल शो हो रहा है। तो उसको दोबारा खोलेंगे, क्लीन क्लीन करके उसके बाद फिर दोबारा से उसको टाइट करेंगे। वो पूरा लॉक से लॉक मिलाएंगे उसका, उसके बाद उसको क्लोज करेंगे। तो ये एक इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा ये ट्रबल। दूसरा ट्रबल के बारे में मैं बताऊंगा कि जो जो किसी भी लूप में जो डिटेक्टर्स होते हैं, वो डिटेक्टर्स क्या होता है कि रेड जलता है, रेड ब्लिंक करता है, जो उसका जो LED लाइट है वो रेड ब्लिंक करता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पैनल से ही करेंगे एक्चुअली, ताकि वो जब तक वो ग्रीन ब्लिंक नहीं होगा, वो फायर में नहीं आएगा। तो इसलिए उसको हम पैनल से करेंगे। तो पैनल में उसका सेटिंग करेंगे, कुछ उसका वो करेंगे, उसके बाद हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। तीसरा ट्रबल्स क्या होता है कि जो हम प्रोग्राम करने के बाद, जब हम उसका सेटिंग, डिटेक्टर का सेटिंग नहीं रखेंगे, अगर उसमें एक्लिमेट वगैरह होता है, फोटो होता है, या आयंस होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम रखना पड़ता है उसको डिटेक्टर में। प्रोग्राम करने के बाद उसको एक बार चेक करना होता है कि वो मेरा जिस मोड पे हम उस डिटेक्टर को रखे हैं, चाहे हम अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड में ही रखेंगे, या पाउडर पाउडर से सेंस करके रखेंगे, जिस पे रखेंगे, जिस उस फ्लैश स्कैन पे रखेंगे, उसी पे वो डिटेक्टर सेंस लेगा, नहीं तो वो इसमें ट्रबल दिखाते रहेगा। जैसे ये ट्रबल्स है, यहाँ ट्रबल दिखा रहा है 838, 837, 38, ये आगे पीछे होते रहता है, जिसकी वजह से ये एक्नोलेज आता है यहाँ पे। तो उसको वहां से सोल्व करते हैं, हम पैनल से ही सोल्व करेंगे उसको। तो वो ट्रबल्स हम कैसे पैनल से सोल्व करेंगे, जैसे हम कोई डिटेक्टर पे चेक कर रहे हैं, ये ट्रबल सोल्व करने के लिए जो पैनल से कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे इसको, पासवर्ड डालेंगे इसका पहले, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद पॉइंट प्रोग्राम मेनू में जाएंगे, किसी भी डिटेक्टर का हम चेक करेंगे एक्चुअली। यहाँ पे जैसे लूप 1, डिटेक्टर नंबर 1, इसका हम अगर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए, इसमें हीट प्लस है और एक्लिमेट करके रखा हुआ है, यानी ये हीट पे लेगा और ये स्मोक पे लेगा। अब ये डिटेक्टर कन्फ्यूज है, तो जिसके वजह से ये ट्रबल बता रहा है, तो हम इसको स्मोक पे रख, इसमें एक्लिमेट पे स्मोक एक्लिमेट आएगा, वो जब तक नहीं आएगा उसको हम प्रेस करते रहेंगे। ये अलग अलग टाइप का डिटेक्टर्स उसका डिटेक्टर्स में सेंस लेता है, स्मोक फोटो, स्मोक और फोटो भी होगा। तो हम फोटो पे नहीं रखेंगे इसको, स्मोक एक्लिमेट पे रखेंगे। स्मोक डक्ट आया, स्मोक हर्स आया, स्मोक तो जब तक नहीं आएगा उसको लाना है। स्मोक मल्टी आया है, स्मोक स्मोक एक्लिमेट आ गया है, ये देखिए स्मोक एक्लिमेट, एक्लिम यानी स्मोक एक्लिम पे रखना है हमको, और फ्लैश स्कैन टाइप एक्लिमेट रखना है, यानी स्मोक एक्लिम होगा, फ्लैश स्कैन टाइप एक्लिमेट, इस तरह से करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये ट्रबल्स इसका, इस पॉइंट का सॉल्व हो गया, ये यानी एक ट्रबल्स कम हो गया पैनल से। इसी तरह सारे को चेक करेंगे, सभी को। अब दूसरा ट्रबल होगा, दूसरा ट्रबल के बारे में बताऊंगा। जो दूसरा ट्रबल ये है कि जो लूप में जो सारे डिटेक्टर से जो रेड जलते हैं, रेड ब्लिंक करते हैं, जो फायर में एक्टिव नहीं हो पाया होगा, उसको पहले ठीक करेंगे यहाँ से। तो उसका ट्रबल्स यहीं से पहले शूटिंग करेंगे, यानी उसका प्रोग्राम से उसको हटा ही देंगे पहले, यानी डिलीट करेंगे उसको प्रोग्राम में से। उस लूप का करेंगे जिस लूप में ये प्रॉब्लम है, तो उस लूप को हम सिलेक्ट करेंगे। लूप 1 मेरा इसमें आया है, लूप 7 में आया है एक्चुअली, तो मैं इसको लूप 7 से इसको प्रोग्राम से इसको हटा रहा हूँ पहले, यानी इसको इस लूप 7 को मैं डिलीट कर रहा हूँ पहले। जिसका प्रॉब्लम आएगा उसी को करना है, दूसरे को नहीं करना है। एक्सेप्ट कर लेंगे, अब ये यस कर देंगे। यहाँ पे पैनल थोड़ा ऑफ होगा कुछ देर के लिए, रिबूट में जाएगा, क्योंकि
क्लियर होगा, ये पूरा ऑफ हो जाएगा। कुछ मिनट कुछ सेकंड्स वेट करेंगे हम, इसका चेंजेस हो रहा है इसमें, तो इस तरह से ये ऑफ होना शुरू हो जाएगा। ऑफ होने के बाद दोबारा इसको ऑन करेंगे, ऑन होगा ये अपने आप। दोस्तों आप देखिए ये पैनल नॉर्मल में आ गया, अभी पैनल ये दोबारा से ऑन हो गया है। बट जो मेरा लूप 7 में जो डिवाइसेस यानी डिटेक्टर्स वगैरह या कंट्रोल मॉड्यूल जो भी लगे हुए हैं डिवाइसेस, वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। उसको काम करने के लिए दोबारा उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, दोबारा उसको प्रोग्राम में लाना पड़ेगा। दोबारा प्रोग्राम करेंगे, दोबारा प्रोग्राम करने के बाद वो अपने आप एक्टिव हो जाए, अपने आप इसमें नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और वो काम करना शुरू कर देगा। सेवन का था मेरा, सो सेवन का मैं किया था, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा आ जाएगा। वो प्रोग्राम होने के बाद फिर वो इसमें वो काम करना शुरू कर देगा नॉर्मली, फिर वो फायर वगैरह सब लेना शुरू, फर्स्ट सब लेना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो वीडियोज लाता रहूँ आपसे, मेरे से जुड़े रहेंगे तो नए नए जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए इसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब देखिए ये 82 इसमें डिटेक्टर्स था और 7 मॉड्यूल था, 82 डिटेक्टर्स एंड 7 मॉड्यूल्स था। 7 मॉड्यूल्स मतलब MCB वगैरह, कंट्रोल मॉड्यूल, मॉनिटर, सब एक साथ मिला करके है वो, तब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो थोड़ी देर टाइम लगता है जो भी प्रोग्राम में, 7 सेकंड प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये डायरेक्टर हमारा एक्टिव हो गया, अपने नॉर्मल वर्क पे आ गया है डायरेक्टर। थैंक यू दोस्तों।